क्या गाना सीखने के लिए अभिनय सीखना जरूरी है? क्या गाने गाने के लिए एक्टिंग आना जरूरी है? क्या अगर मुझे एक्टिंग आती है तभी मैं गाना गा पाऊंगा प्रॉपर? या वो जो इमोशन है, वो जो फील देने के लिए क्या मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी? या वो जो भावनाएं हैं उनमें वो जो एक्सप्रेशंस हैं उनको जिस तरीके से बोलना चाहिए उसके लिए, वो इमोशन के डायलॉग डिलीवरी के लिए क्या मुझे एक्टिंग ही सीखनी पड़ेगी या वैसे भी हो जाएगा सिंगिंग में काम? तो ये कुछ सवाल हैं जो आप ही जैसे लोगों के हैं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स के हैं, आप ही जैसे म्यूजिक लर्नर्स के हैं। तो आइए मैं अपने एक्सपीरियंस अनुसार कोशिश करूंगा इन सभी को हल करने की। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है इस चीज़ का जवाब। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मोमिन खां मोमिन की लिखी हुई एक गज़ल है और बेगम अख्तर ने भी गाई हुई है एंड ग़ुलाम अली खां साहब ने भी गाई हुई है। ये जो कंपोजिशन थी ये मेरी थी, मैंने एक छोटी सी गुस्ताखी की कि एक थोड़ी सी धुन उसकी चेंज करूँ, इमोशन थोड़े अपने हिसाब से दे सकूँ। तो आज जैसे कि इमोशंस पर ही बात चल रही है, भावनाओं पर बात चल रही है, एक्सप्रेशंस पर बात चल रही है, जाहिर सी बात है अभिनय बीच में आता ही आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभिनय का ही अंग हैं। हमारे संगीत में भी अगर वो भाव पक्ष है तो वो अभिनय का ही अंग है। अब इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल चुका हूँ कि क्योंकि आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, है ना, आर्ट जो है आपका विजुअल आर्ट नहीं है पेंटिंग की तरह, आपका परफॉर्मिंग आर्ट है। गाना पड़ता है आपको, ऑडियंस से इंटरेक्ट करना पड़ता है। आप अगर डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं या कुछ भी संगीत में आप कुछ कर रहे हैं, तो इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें भाव ही प्रकट करने होते हैं, और भाव प्रकट करने हैं तो वो भाव आपको मालूम तो होने चाहिए कि भाई होते क्या हैं। अगर हंसना है तो हंसना किसे कहते हैं, रोना रोना क्या होता है, चिढ़ना किसे कहते हैं, गुस्सा किसे कहते हैं, और वो एक्सप्रेस करना तो आना चाहिए। अगर बुत बन के एक्सप्रेशनलेस फेस से वो चीज़ आप गाएंगे तो क्या समझ आएगा? अभी जैसे इसी चीज़ का एग्जाम्पल ले लिए, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है ना, एक आशिक है जो अपनी माशूखा से कह रहा है, या फिर एक माशूखा है जो अपनी आशिक से कह रही है ना, कि हमारे तुम्हारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, ये समझ लीजिए एक करार हुआ था, एक बंधन हमने बांधा था, कुछ वादे हमने एक दूजे से किए थे, वो तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो बात अलग है, पर हम में एक करार ज़रूर था, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने कुछ वादे किए थे जिन्हें हम निभाना चाहते थे, और वो वादे किए थे हम इन्हें निभाएंगे, लेकिन तुमने शायद नहीं निभाए, या मैंने नहीं निभाई, या सिचुएशन कुछ और रही और वो चीज़ हमारा रिश्ता कंटिन्यू नहीं हुआ, तो तुम्हें याद हो कि ना याद हो पर ऐसा हुआ ज़रूर था। तो अगर ये इमोशन आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो अगर ऐसे गाएंगे इसको, वो जो हम में तुम में करार था, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं है आपके चेहरे पर तो कैसे चलेगा, है ना। आपने जब वो शब्द समझ लिए हैं तो थोड़ा भाव दीजिए, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आपने वहाँ इमोशन समझा है, वहाँ थोड़ा दर्द भी है,
है ना, तो उसको समझना पड़ेगा हर हर, ये नहीं कि हर गाने को हर गाने में दर्द ही डाल दिया आपने, इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है। इमोशंस का जो क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन है वो आपको समझ आए, इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है। हर गाने में सेम इमोशन ना दे दें आप, हर गाना हंसते खिलखिलाते नहीं गाया जाता और हर गाने में दर्द नहीं होता, है ना, इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है। और अभिनय ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम आना ही चाहिए प्रॉपर, है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई गाने वाले को तबला भी आना चाहिए, कथक भी आना चाहिए उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम महारत हासिल होनी चाहिए उसमें, मगर इतना आना चाहिए कि उसकी जो कला है उसमें उसका अंग आ सके, तबले का लय ताल पक्ष आ सके, इतना तबला आना जरूरी है। भले आपका हाथ नहीं चलता हो या इतना एकदम आपने उसको पूरा एकदम विधिवत तरीके से नहीं सीखा है, पर आपको लय ताल का नॉलेज हो जाए, इतना तबला आना चाहिए। और जहाँ तक बात कथक की है, तो कथक मतलब वही भाव एक्सप्रेशंस जो हैं, जेस्चर्स जो हैं वो आपके हों, है ना, कि आप एक्सप्रेस कर सको, उतना कथक आपको आना चाहिए, भले प्रैक्टिकली आप उतना ना करते हो। तो कथक का जो अंग है वो भाव अंग ही है, और भाव अंग यानी कि अभिनय अंग, अभिनय भी आपको उतना ही आना चाहिए। अभिनय में भी डिग्रीज होती हैं इमोशंस में, ऐसा नहीं कि खुशी है तो बस हर गाने में सेम खुशी होगी, नहीं, खुशियों के भी लेवल है। आपको थोड़ी सी खुशी हो रही है, ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आश्चर्य का लेवल है तो थोड़ा लेवल है, ज़्यादा है थोड़ा है, है ना। जैसे कि आपने कोई बड़ा सा पहाड़ देखा है तो क्या वंडर करेंगे आप, बाप रे इतना बड़ा पहाड़, और एक आपने कोई क्या बोलते हैं कि फूल देखा है और आप वंडर कर रहे हैं, अरे यार ये कैसा फूल है यार, है एकदम नया सा है, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन अभी मैंने दिए, ये मैं पहाड़ को देख के नहीं दे सकता, और जो पहाड़ वाले दिए थे वो फूल में नहीं दूंगा। तो ये है, ये डिग्रीज हैं, ये आपको आना चाहिए। दुख है तो एक ये जरा सा कांटा चुभा है ना, ये आपको तीर नहीं लगा है या गोली नहीं लगी है, ये जरा सा कांटा चुभा, तो ऐसे भाव जाएंगे। तो ये कुछ डिग्रीज हैं जो आपको सीखने जरूरी होती है, इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है। अगर रोना है, दुखी होना है, तो एक तो मतलब यार इतना दुखी हो सकते हैं आप, एक बहुत दुखी है, ये थोड़ा सा दुख है आपके चेहरे पे, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कि यार, है ना, और एक ये वाला दुख है कि जिसमें दुख तो है, आप दुखी तो हैं, लेकिन आप इतना जता नहीं रहे हैं उस चीज को अंदर ही अंदर, ठीक है आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट से छिपा रहे हैं उस दर्द को कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, रो नहीं रहे हैं इसमें आप, है ना, इसको रोते हुए नहीं गाना है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आर्टिस्ट जो है इमोशंस से डील करता है, उनको फील नहीं करता, क्योंकि फील कर लेगा एग्जैक्टली वैसा, अगर आपने फील करना शुरू कर दिया तो आप गा नहीं पाएंगे, गला चोक हो जाएगा आपका, है ना, दिमाग काम करना बंद कर देगा अगर आप असली में रोने लग गए और रोते रोते गाने लग गए, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए इमोशंस को कैसे टैकल करना है, उनको कैसे फील करना है आपको, है ना, कि उतना ही करें कि जितना हमारे आड़े ना आए उस परफॉर्मेंस से, तो इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है, क्योंकि अभिनय जो है उसमें बैलेंस बनाता है, कौन सा इमोशन कितना यूज करें और कब यूज करें उसकी एक सीख हमको देता है, उसकी टेक्निक्स हमको मालूम चलती हैं, है ना। और जाहिर सी बात है, अभिनय सीखते हैं तो डायलॉग डिलीवरी आती है ना, कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये बात की जा रही है ना। अब इसमें वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डायलॉग है, क्योंकि ये कही जा रही है बात, तो अभिनय का डायलॉग डिलीवरी आती है इसमें, कि उसमें आप स्ट्रेस किधर जाएंगे कि वो जो हम में तुम में करार था, वो याद दिला रहे हैं सामने वाले को, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है ना। तो ये जो है स्ट्रेसेस देने हैं, जैसे आपने बोला किसी को, आप रोक रहे हैं तो अरे रुको मत जाओ, रुक जाओ आज, है ना, ये आप किसी को रोक रहे हैं और आप बोल रहे हैं रुको मत जाओ, सेंटेंस वही है, रुको मत जाओ, यही तीन वर्ड हैं, लेकिन आप इसको कैसे बोलेंगे, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, भाव भी चेंज होते हैं पॉजेस के साथ, स्ट्रेस भी चेंज होता है। तो ये सारी चीजें अभिनय से सीखनी होती हैं कि कहाँ कितना पॉज देना है। इसीलिए मैं जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक्सरसाइजेस कराता हूँ, इमोशंस की एक्सरसाइजेस कराता हूँ, ताकि इमोशंस, इमोशन का बैलेंस आपको समझ आए, है ना। आप डिग्री में हंसी है, 10 तक अगर आपको हंसना है, थोड़ा सा धीरे धीरे हंसी, पहले मुस्कुराहट है, फिर लंबी हंसी है, फिर और हंसी है, फिर रावण वाली हंसी तक भी जाना होता है। तो ये कुछ भाव की एक्सरसाइजेज होती हैं, उसका भी रियाज होता है अपना, वो भी कराया जाता है। तो इसीलिए अभिनय सीखना जरूरी है मेरे ख्याल से तो, और सभी गायक जो हैं या संगीतकार हैं मेरे ख्याल से अग्री करेंगे इस चीज़ पर, कि अगर आप अभिनय सीखते हैं तो आप एक बेहतरीन गायक बन सकते हैं, बेहतरीन तबला वादक कह लें, बेहतरीन कथक डांसर कह लें, बेहतरीन हारमोनियम वादक कह लें, आपको संगीत में अगर हैं तो अभिनय सीखना जरूरी ही है, है ना। तो ये मेरे ख्याल से अब हल हो गया होगा ये सवाल। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, एंड ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, एंड शुक्रिया ये वीडियो।